कर लेगा। पेपर लीक पर देश में गुस्सा है, ऐसा लेके हमारा भविष्य वापस कर देना। छात्रों में उबाल है, अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम होती उसमें भी इतनी धांधली करी है। भयंकर आक्रोश है, उसने अकेडमी से पैसा लिया एनडीए को बैन करो। एनटीए पर खून खौल रहा है, एनटीए जो है एक निजी एजेंसी है, दिक्कत ये है। क्योंकि सवाल भविष्य का है, घटक स्ट्रक्चर है एकेडमिया का, उसको खत्म करने के लिए एनटीए का गठन किया गया है। नीट पेपर लीक और धांधली की जांच के लिए अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। बिहार से लेकर झारखंड और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक गैंग्स ऑफ पेपर लीक का भंडाफोड़ हो रहा है। लेकिन नीट पेपर लीक की परतें उधेड़ने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम निकली है और आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये खुलासा इतना विस्फोटक है कि सरकार के भी होश उड़ जाएंगे और आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक माफियाओं के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। 28 मार्च 2024 पेपर लीक माफिया का वीडियो वायरल। जी हाँ, 5 मई 2024 को नीट का पेपर होना था और इससे ठीक 41 दिन पहले यानी 28 मार्च 2024 को एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में सफेद गमछे में चेहरा छिपाए एक शख्स कहता है नीट का पेपर लीक होगा, जेल से इसकी तैयारी चल रही है। जी हाँ, ये दावा किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक पेपर लीक माफिया ने कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। विजेंद्र गुप्ता ये दावा करता है और नीट का पेपर लीक हो जाता है और इस पेपर लीक पर मचे कोहराम के बीच जब किसी को ये तक पता नहीं है कि नकाबपोश विजेंद्र गुप्ता दिखता कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, विजेंद्र गुप्ता आखिर कहां छुपा है, आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम न सिर्फ उस विजेंद्र गुप्ता के खुफिया ठिकाने तक पहुंचती है बल्कि उसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन करती है। साथ ही नकाबपोश विजेंद्र गुप्ता का चेहरा अपने खुफिया कैमरे में कैद करती है। ये पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता, इसी ने बताया था नीट का पेपर लीक होगा। आज विजेंद्र गुप्ता पेपर लीक के सारे राज खोलेगा। नीट पेपर लीक का ट्रेलर लॉन्च करने वाला विजेंद्र गुप्ता अब आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक की पूरी पिक्चर रिलीज करता है, वो भी बेखौफ कानून को धता बताते हुए। रही बात जेल जाने का, था जेल कल भी फिर परसों से यही खेल करेंगे। तो सुना आपने, पेपर लीक माफिया कितनी ठसक के साथ कह रहा है जेल और फिर बेल, जैसे उसके लिए सिर्फ एक खेल है। अब विजेंद्र गुप्ता आगे जो खुलासा करता है, यकीन मानिए वो और भी चौंकाने वाला है। जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता सीधे पुलिस से लेकर सीबीआई तक को चैलेंज कर देता है। सीबीआई का उगाने को पकड़ लिया, उसे घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा, ऐसा इंटरव्यू स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा। सवाल यह है कि आखिर ये विजेंद्र गुप्ता है कौन, जिसे न पुलिस का डर है, न सीबीआई का डर है और न ही कानून का खौफ है और न ही सरकार का। आखिर किसके बैकग्राउंड पर विजेंद्र गुप्ता इतनी ठसक दिखा रहा है, तो सुनिए। विजेंद्र गुप्ता 2023 में ओडिशा पेपर लीक मामले में आरोपी है। बिहार के दानापुर में बीपीएससी जांच में उसका नाम आया है और तो और एमपीपीसीएस समेत कई बड़े पेपर लीक मामलों में विजेंद्र गुप्ता शामिल है। विजेंद्र गुप्ता ने पेपर लीक की शुरुआत बेदीराम के साथ की थी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधायक है। इतना ही नहीं, विजेंद्र गुप्ता
नीट घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और हाल ही में गिरफ्तार विशाल चौरसिया जैसे पेपर लीक माफियाओं को भी जानता है। पेपर लीक में 24 साल के एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे का दावा करने वाला विजेंद्र गुप्ता कहता है कि उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम किया नहीं है? मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कॉल करेगा। और अब विजेंद्र गुप्ता वो खुलासा करता है जिसका इंतजार हमें भी था, पूरे देश को है, हर छात्र को है। जी हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ कैसे, तो सुनिए खुद पेपर लीक माफिया को। देखिए, कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है, नीट पेपर लीक हुआ, बट जो कंडीजियस वे में जा रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है यहाँ पे, आर्थिक अपराधी का एक पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है, वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका भी। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा है, एनटीए जहाँ पर आया एनटीए वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ है। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया, ठीक है। तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है, तो सुनते नहीं किसी के अंदर से रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का उसके परिवार का अंदर से उसका रिजल्ट होगा। इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं उसको बैठा दीजिए ना, तुरंत उसको बोलिए वही टेस्ट वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ, ये नहीं ऑब्जेक्टिव है टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ, ये कैसे इसका आंसर इतना हुआ। 50% आंसर अगर दे दिया था हम खड़ा हम पनिशमेंट बोल लेंगे, हम आपको बता रहे, उसको तो रटाया गया है। तो सुना आपने कैसे विजेंद्र गुप्ता ने एनटीए का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और ये भी खुलासा कर दिया कि एनटीए में कहां छेद है। हम हैरान थे क्योंकि विजेंद्र गुप्ता के खुलासे बेहद सनसनीखेज थे, और तो और इस पेपर लीक माफिया ने ये भी बता दिया कि कैसे पेपर बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त बॉक्सेस टूट जाते हैं और कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर मिलते रहते हैं। चलिए जैसे स्ट्रॉन्ग रूम आप बनाते हैं, सरकार स्ट्रॉन्ग रूम बनाती है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अभी हाल में आप लोग रिसर्च कीजिए कि ये जो यूपी एसटीएफ ने पकड़ा था, शुभम मंडल का जमानत हो गया, उसका बेल हो गया 3 तारीख को ही आ गया था, ठीक है। तो वो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप तो भेजिएगा किसी ना किसी लॉजिस्टिक से, ट्रांसपोर्टेशन तो आपका हर चीज आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन जो किए हैं तो वहां से ही ब्रेक किया था ये लोग, शुभम मंडल लोग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस ना था, पेपर मुझे तो वेयर हाउस था, वहां से ही लोग लीक कर दिया। अब वहां भी एक खामी, प्रिंटिंग प्रेस में कोई आपका स्टाफ है वहां भी एक खामी, जैसे बीपीएससी टायर 3 में कौशिक। पेपर लीक माफिया के स्टिंग ऑपरेशन से अब तक हमें ये समझ आ जाता है कि पेपर लीक माफियाओं का नेटवर्क कितना तगड़ा है और कैसे ऊपर से नीचे तक माफिया पेपर लीक के लिए मिले हुए हैं। अब आगे का खुलासा सुनिए। आप कैसे यूपीएससी वही किए थे हम लोग, परसिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ, धरा गया, जेल चल गया। इससे समझ में आता है कि विजेंद्र गुप्ता जैसे नेटवर्क देश भर में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टेंडरिंग प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठा रहे हैं। नंबर मांगते लेकिन सब एक दूसरे को जानते हैं, हम तो नहीं जानते, हमको लोग जानते हैं। नहीं नहीं वैसे नहीं बोल रहे, मान लीजिए जैसे ये सारी चीजें हो रहे हैं। देखिए हर चीज नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है, ये भी एक नेटवर्किंग है। तो सुना आपने कैसे पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता पेपर लीक पर एक से एक सनसनीखेज खुलासे करता है। तो देखा आपने
आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कैसे नीट पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रखा है। पेपर लीक पर अभी और भी विस्फोटक खुलासा बाकी है, जाइएगा नहीं।